लोग प्रतिदिन अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ के दौरान लोग भगवान को भोग के रूप में अलग अलग सामग्री अर्पित करते हैं। कुछ घरों में जहां घरों में बनने वाले खाने को ही लोग पहले भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को भोग स्वरूप उनकी पसंद की वस्तुएं चढ़ाते हैं। जैसे लोग भगवान श्री गणेश को मोदक लड्डू चढ़ाते हैं, तो वहीं माता लक्ष्मी को सफ़ेद खीर का भोग लगाते हैं। लेकिन अगर अपने उसी भोग में, तो वह भोग भगवान को पसंद आने की बजाय उन्हें नाराज कर देगा और फिर पूजा का फल मिलने की बजाय आपको नकारात्मक परिणाम देखने पड़ सकते हैं। ऐसे में भगवान को भोग लगाते समय कई बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। भगवान का भोग लगाने का यह उद्देश्य लोगों को रखना चाहिए कि मैं भगवान को भोजन करा रहा हूं। किसी को भोजन कराने के पूर्व स्वच्छ पात्र में मीठे भोजन लगावे भगवान को भोजन के लिए, उसके साथ एक गिलास में जल भी रख दें और कुछ देर के लिए मंदिर हो पर्दा लगा दें और हाथ जोड़ के उन्हें विनती करें, प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ईश्वर, मैंने जो आपको भोग लगाया उसको केवल पाएं और फिर प्रसाद के रूप में पाएं, कुछ क्षण के लिए उन्हें समय दें। इस प्रकार भगवान को भोग लगाने का नियम है, कुछ 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, उसके बाद ही कुछ क्षण के लिए भगवान के पास रहने दें, पर्दा लगा के रखें, उसमें हो तो तुलसी पत्र डाल दें, जिसे भगवान को यह तुलसी पत्र डालने के बाद वो प्रसाद के रूप में होता रहे। ज्योतिषाचार्य पंडित शत्रुघ्न आचार्य ने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए और बाकी लोगों में भी वितरित करना चाहिए, लेकिन इससे पहले इसका कुछ हिस्सा गाय को जरूर खिलाना चाहिए। भोग का प्रसाद गाय को खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए भोग बनाते समय लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि उनके भोग में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग देवी देवताओं को कुछ चीजें पसंद नहीं होती हैं। जैसे भगवान विष्णु को लगाए जाने वाले भोग में तुलसी अति प्रधान होता है, तो वहीं भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से आपको भगवान का आशीर्वाद मिलने की बजाय उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में भगवान को भोग लगाते समय आपको कुछ बातों का अत्यंत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लोकल टीम के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।